देखिए, जो पेट्रोल का और डीजल का भाव बढ़ा है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, मतलब इंटरनेशनल इम्पैक्ट नहीं इतना, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नहीं बढ़ा है, वहाँ सस्ता हुआ है और पहले से जो, और यहाँ महंगा हो रहा है, तो ये एक कमाई का साधन सरकार ने बना लिया है। ये गलत है क्योंकि इसका बोझ आम आदमी पर और गरीब पर पड़ता है। क्यों? पेट्रोल और डीजल बढ़ता है तो खाद भी बढ़ता है, किसान पर भी पड़ता है कि खाद की कीमत भी बढ़ती है, कीटनाशक दवाइयों की भी कीमत बढ़ती है, और जो ट्रांसपोर्टेशन पे जो खर्चा पड़ता है उसमें आम आदमी के लिए जो भी वस्तुएं हैं इस्तेमाल करने के लिए उसके सब के ऊपर महंगाई पड़ती है। जब भी महंगाई बढ़ती है, जब भी महंगाई जो है इस बेकाबू होती जा रही है, और आज सबसे ज़्यादा मार गरीब आदमी और मध्यवर्गीय और आम आदमी के ऊपर महंगाई की मार पड़ रही है। सर, हरियाणा में बेरोजगारी का जो मुद्दा है, हरियाणा में बेरोजगारी का मुद्दा है, कुछ कंपनियों को लेकर इश्यूज चल रहे हैं, मारुति को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, और 75% एक आरक्षण का कानून भी आ गया, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन और जो कंपनीज का हाल है, बेरोजगारी का हाल है हरियाणा में? देखिए, बेरोजगारी आज हरियाणा में, पूरे देश में बेरोजगारी हरियाणा नंबर वन पे है। जो प्रदेश प्रति व्यक्ति आए, प्रति व्यक्ति निवेश में 2014 में हम नंबर एक पर छोड़ के गए थे, आज बेरोजगारी में हरियाणा प्रदेश जो है नंबर एक में हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप देखिए अखबार की खबरें देखो, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन हरियाणा हाईएस्ट इन द कंट्री, रिपोर्ट ऐसी अभी है कि ये देखिए 88 है जॉब, ये हरियाणा सीज गैंग रेप, ये तो क्राइम की देखो। और आपका मैं दिखाऊँ आपको हरियाणा का, तो इकोनॉमिक सर्वे जो है बेरोजगारी कहाँ बढ़ रही है, इकोनॉमिक सर्वे जो 2020-21 का है, उसमें देखिए टोटल 881,669 जॉब सीकर ऑन 31/12/2020 हैव बीन रजिस्टर्ड इन डिपार्टमेंट पोस्ट, इतने और नौकरी कितने को मिली 2,816 पर्सन हैव बीन प्लेस्ड अगेंस्ट नोटिफाइड वैकेंसीज अंडर एक्ट। तो कहाँ बेरोजगारी कहाँ रुकेगी? बेरोजगारी तो बहुत बड़ी है, क्योंकि जो जिस प्रकार से आप कह रहे हो प्रति व्यक्ति जो निवेश में था, आज अकेले फरीदाबाद से बहुत सारे फैक्ट्रियां प्लान कर गई, लाखों जो हैं अकेले फरीदाबाद में बेरोजगार हो गए। इसी तरह गुड़गांव में भी, और जो नए हमने IMT बनाए थे उसमें कोई वो नहीं आया, इन्वेस्टमेंट नहीं आया। हाँ, इवेंट मैनेजमेंट की सरकार है, इवेंट मैनेजमेंट किया था इन्होंने गुड़गांव में, हैपनिंग इन हरियाणा के नाम से। उस टाइम कहा था कि भाई 6 लाख करोड़ या 5 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट आएंगी, आई नहीं, 5,000 करोड़ की भी, 10,000 करोड़ की भी नहीं, हज़ारों में की करोड़ की भी नहीं, तो कहाँ से आए अनएम्प्लॉयमेंट आई? और ये जो आप कह रहे हो 75% का, ये तो बड़ा भारी धोखा बेरोजगारों के साथ किया है। और आपको ये भी पता होना चाहिए, अगर एक चपरासी की पोस्ट भी खाली होती है यहाँ, तो उसके लिए MA PhD सब एजुकेटेड वो आते हैं देने के लिए। यहाँ अभी पीछे जब इन्होंने 18,000 या कितनी पद निकाली थी, तो लाखों 25-30 लाख आए, उसमें 20 लाख कम से कम ग्रेजुएट और MA और PhD बच्चे थे। तो अभी हाई कोर्ट में जो चपरासी की जगह निकली हैं, वहाँ ग्रेजुएट और MPhil और PhD लोगों ने दी है। बेरोजगारी की तो ये हालात पहुंची हुई है। पेट्रोल डीजल के दाम, आपने पेट्रोल डीजल की बात की, आज वही बात करें सर, आज भी 100 से पार हो चुका है पेट्रोल का दाम। वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं इसमें तो हरियाणा सरकार ने भी जो वेट था हमारे समय में 9.2% था, 9.2 या कितना था, आज उससे डबल कर दिया है। तो इस मतलब कमाई का साधन बना रखा है। मैं तो बार बार कह चुका, कम से कम हरियाणा सरकार तो कुछ राहत दे, ये जो अपने जो वेट बढ़ाया वो तो वापस ले, कुछ तो लोगों को राहत दे। राहत का कोई काम नहीं, राहत इस सरकार ने किसी को नहीं दी, सिर्फ मतलब लोगों को उनके ऊपर टैक्स लादने का काम किया है, और गरीब आदमी जीवन जो है वो बहुत दिक्कत में डाल दिया, दुर्लभ कर दिए। 16 तारीख से स्कूल खुल रहे हैं। पिछली बार भी कोरोना की पहली लहर में देखा गया था कि बाद में आधी अधूरी तैयारी से स्कूल खुले बंद करने पड़े।
स्कूलों के लिहाज से क्या अभी सही वक्त है, क्योंकि तीसरी लहर को लेकर भी जो एक्सपर्ट्स हैं लगातार चिंता जता रहे हैं, लेकिन हरियाणा में कल से खुल जाएंगे? देखिए तो इनको जो है अभी कहा नहीं जा सकता तीसरी लहर के बारे में, बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं, तो इनको बहुत सोच समझ के फैसला लेना चाहिए, क्योंकि अगर तीसरी लहर जैसा बता रहे हैं वो आएगी तो वो बच्चों पे मार करेगी, तो उसको उसको मतलब बहुत सोच समझ के फैसला लेना चाहिए। सर, आपके समय में कुछ बड़े प्रोजेक्ट होते थे, जैसे सोनीपत में एयरपोर्ट फैक्ट्री बनी थी, महंगा एयरपोर्ट था, ऐसे कुछ प्रोजेक्ट जो कोई अभी तक बना नहीं, कोई शुरू नहीं हुआ, नहीं वो तो मतलब जो है जैसे महम से आगे उसमें तीन चार डिस्ट्रिक्टों के बीच में जो है चांग से इधर जो है तो जमीन भी आइडेंटिफाई हो गई थी, सर्वे हो गया था, एयरफोर्स से क्लियरेंस भी आ गई, सब पूरा क्लियरेंस था, एयरपोर्ट के लिए तैयारियां थी, लेकिन सरकार बदल गई तो जो एयरपोर्ट यहाँ बनना था वो और कहीं बन गया। इसी प्रकार से रेलवे कोच फैक्ट्री थी जो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, जिसके लिए ज़मीन भी का नोटिफिकेशन भी हो गया था और उसमें हज़ारों बच्चों को नौकरी मिलनी थी, लेकिन वो कोच फैक्ट्री भी चली गई। और इस प्रकार से जो ऑलरेडी फैक्ट्रियां लगी हुई थी वो भी पलायन कर रही हैं, तो क्योंकि जिस प्रकार से हरियाणा में एक माहौल बनना चाहिए इन्वेस्टमेंट का, वो माहौल नहीं बना पाई है सरकार, वो नहीं रख सकी। अब आईएमटी जो है जहाँ रोहतक का आईएमटी था वो यहीं का है, खरकौदे में है, वहाँ गए नहीं। पहले बयान आता रहता है कि वाडा ग्रुप आ रहा है, इतने करोड़ों की इन्वेस्टमेंट खरकौदे में लगाएंगे, लेकिन कोई वाडा ग्रुप वहाँ नहीं आया, चाइना से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आई जैसे मैंने कहा। और उसमें प्रति व्यक्ति निवेश में जो हरियाणा नंबर एक था आज पिछड़ गया, कहीं कौन से नंबर पे है पता नहीं, पायदान उसका बहुत गिर चुका है। जैसे काम खास तौर पे जो जापानी इन्वेस्टमेंट थी, जापान की जितने देश में देश की इन्वेस्टमेंट थी तो उसका 70-80% अकेले हरियाणा में था। वाईवाई के हो कितनी है, कितनी लेके आए हम, सैमसंग लेके आए, बहुत सारी कंपनी जापान की और कोरिया की यहाँ आई, और जापान की इन्वेस्टमेंट की 70% इन्वेस्टमेंट हरियाणा में थी। आज वो स्थिति नहीं रही, आज जो है निवेश तो दूर जो ऑलरेडी लगी हुई है वो भी पलायन कर रही। हरियाणा के कुछ एमएलएज जनरल सेक्रेटरी से भी मिले, कुछ तरीके के विवाद चल रहे थे कि पार्टी में कहीं ना कहीं कुछ क्लैशेस है, तो उस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, कोई विवाद नहीं है पार्टी में, बाकी हरियाणा के विधायक मिलेंगे, सबको अपना अधिकार है, अलग अलग सब मिलेंगे अपनी बात कहने का, सब अपनी बात कहते हैं, जो पार्टी में जो महसूस करते हैं जो बात कहते हैं सभी का वो है, अधिकार है, लेकिन कोई विवाद नहीं है। संगठन विस्तार सर होना था, वो डिले है, उसको लेकर उम्मीद जताई जा सकती है कि अब पूरा प्रोसेस शुरू हुआ है तो जल्दी निपटेगा? पता नहीं कौन सा प्रोसेस शुरू हुआ है, और संगठन तो बनना ही चाहिए। सर, पीसीसी चेंज भी होने की बात चल रही थी, तो उसमें भी कोई सच्चाई है सर? मेरे को कोई ज्ञान नहीं है।